मोस्टली विलेज में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है वो प्राइमरी एक्टिविटीज होती है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती है? जिन एक्टिविटीज में हम सीधे नेचर से इंटरकनेक्ट होते हैं, व्हेन वी डायरेक्टली इंटरकनेक्ट विद नेचर एंड अर्न मनी, दोस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज। जैसे फार्मिंग, फिशिंग, वुड कटिंग, दीज आर इकोनॉमिक प्राइमरी एक्टिविटीज। देन सेकेंडरी एक्टिविटीज, जब हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स को, प्राइमरी गुड्स को कन्वर्ट करते हैं वैल्यूएबल गुड्स में बाय यूजिंग टेक्निक एंड स्किल, दीज आर नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, जब हम लकड़ी से फर्नीचर कोई भी बनाता है, कारपेंटर बनाता है, तो वो उसके लिए टेक्निक यूज करता है, स्किल यूज करता है, टेक्निक इन फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट। दैट टर्शियरी ऑल टाइप्स ऑफ सर्विस लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टीचर, टीचिंग, डॉक्टर, ऑल आर इंक्लूड इन सर्विस। तो जो जितने भी सर्विस सेक्टर है उसको हम टर्शियरी एक्टिविटीज में काम करते हैं। तो जब हम विलेज पालमपुर की स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन पालमपुर परफॉर्मिंग प्राइमरी एक्टिविटीज, दे आर एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर और फार्म लेबर। जब कोई भी प्रोडक्शन करना होता है किसी भी एरिया में, चाहे हम इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करना चाहते हैं, चाहे हम फार्मिंग करना चाहते हैं या कोई भी अन्य काम, उसके लिए हमने आपको कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है। तो किसी भी प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए वी नीड सम फैक्टर्स। दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड। लैंड इज प्राइमरी फैक्टर फॉर एनी प्रोडक्शन। तो किसी भी काम को करने के लिए, इवन मान लीजिए हम स्कूल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी प्राइमरी बेसिक नीड सबसे पहले क्या होगी? लैंड। लैंड की अपनी क्वालिटी होती है। लैंड इज नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि लैंड का जो एरिया है वो परमानेंट एरिया है, वो उसको हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो ऐसा नहीं कि अर्थ का स्पेस भी बढ़ता रहेगा। लैंड इज लिमिटेड। तो फर्स्ट क्वालिटी ऑफ लैंड, दैट इज नेचुरल रिसोर्स। सेकेंड इज इट इज लिमिटेड। देन फॉर प्रोडक्शन वी नीड लेबर। लेबर को भी हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है स्किल लेबर। स्किल लेबर यानी जो किसी काम को करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक की, स्पेशल एबिलिटी की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए हमको खेती करनी है और फार्म लैंड में हमको ट्रैक्टर से खेतों की जुताई करनी है, तो हमको ट्रैक्टर चलाना आना चाहिए। या कोई मकान बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग में जो बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल तो कोई भी कैरी कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमको एक मिस्त्री की जरूरत होती है। तो वो जो पर्टिकुलर है पर्सन है, जैसे कारपेंटर है वो फर्नीचर बनाता है, तो उसके पास एक स्किल है फर्नीचर मेकिंग का। तो इस तरह की लेबर को हम स्किल लेबर कहते हैं। किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए हमको सबसे पहले एक स्किल लेबर की जरूरत होती है। दूसरी अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर यानी जो फिजिकल फोर्स से वर्क करती है, फिजिकल वर्क करती है, उसको हम अनस्किल्ड लेबर कहते हैं। तो किसी भी प्रोडक्शन के लिए जो प्राइमरी नीड्स है वो स्किल लेबर और अनस्किल्ड। देन वी कम टू थर्ड फैक्टर, दैट इज कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में हम पूंजी भी बोलते हैं, यानी पूंजी। कोई भी काम करने के लिए हमको धन की आवश्यकता होती है। ये टू फॉर्म में हो सकता है, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल हमारी जो मशीनरीज हैं, टूल्स हैं, बिल्डिंग है, लैंड है, दीज आर फिक्स कैपिटल। यानी जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं ये फिक्स कैपिटल अर्निंग में मदद करता है और ये कभी खर्च नहीं होता है। सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल विच इज इन्वेस्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, उसमें रॉ मटेरियल कॉटन है, कॉटन वूल उसके लिए चाहिए। इन ड्यूरिंग प्रोडक्शन वो जो प्रोसेसिंग है उसमें वो खर्च हो जाएगा। ऐसे ही फार्मर्स को अपनी फसल उगाने के लिए बीज की, खाद की जरूरत होती है और मजदूरों को देने के लिए पैसे की भी, नगद धन की भी जरूरत होती है। तो इस तरह की पूंजी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये तीनों फैक्टर हमारे पास अगर अवेलेबल हैं,
फॉर्म इन